हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीपैट 2024 क्रैश कोर्स। सेशन 22 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फार्माकोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ इंसुलिन, और इसके ऊपर से जीपैट 2022 और 2011 में क्वेश्चंस पूछे गए थे बेस्ड ऑन इट्स इंसुलिन। सो इंसुलिन का बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का यूज क्या है? सो उसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा इंसुलिन सीक्रेट कैसे होता है और इंसुलिन इनहिबिट कैसे होता है। तो इंसुलिन सिक्रेशन बेसिकली बीटा सेल से होता है। हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स रहते हैं और वो बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स भी रहते हैं जो ग्लुकागॉन को सिक्रेट करते हैं, और डेल्टा सेल्स रहते हैं जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो रिमेंबर देर आर थ्री इंपॉर्टेंट सेल्स इन पैनक्रियास। पहला है अल्फा सेल जो सीक्रेट करेगा ग्लूकागॉन को, बीटा सेल जो सीक्रेट करेगा इंसुलिन को, और डेल्टा सेल्स जो सीक्रेट करेंगे सोमैटोस्टैटिन को। अभी इंसुलिन जब ग्लूकोज स्टिम्युलेट करता है ग्लूट टू रिसेप्टर्स को, तब इनिबिट करता है एटीपी सेंसिटिव के प्लस चैनल्स, दैट इज पोटेशियम चैनल्स। उसके बाद होगा डीपोलराइजेशन ऑफ दोस बीटा सेल्स और फिर इंसुलिन रिलीज होगा। सो दिस इज द बेसिकली पाथवे फॉर रिलीजिंग इंसुलिन। सो इंसुलिन रिलीज का पाथवे कैसे होगा? पहले ग्लूकोज, मतलब जब भी हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं बॉडी में। तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ग्लूट टू रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करते हैं। ग्लूट टू रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करने के बाद जो एटीपी चैनल्स होंगे, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होंगे, उन्हें वो इनहिबिट कर देगा और डीपोलराइजेशन होगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा इन बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद वो रिलीज करेगा इंसुलिन को। सो ऑलवेज रिमेंबर, इंसुलिन रिलीज करने के लिए हमें ग्लूट टू रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, तब इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज होता है। सो ये पाथवे है फॉर इंसुलिन रिलीज। अभी बीटा टू अगोनिस्ट अगर हम यूज करते हैं, या ग्लूकागॉन यूज करते हैं, या वेगल स्टिम्युलेशन होता है, तब इंसुलिन रिलीज इंक्रीज होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, बीटा टू अगोनिस्ट मतलब जो बीटा रिसेप्टर्स को अगोनिस्ट, अगोनिस्ट मतलब उसको एक्टिवेट करेंगे, या ग्लूकागॉन जब आप लेते हैं, या वेगल स्टिम्युलेशन होता है, तब इंसुलिन रिलीज इंक्रीज होता है। मगर अगर हम सोमैटोस्टैटिन या अल्फा टू रिसेप्टर्स को स्टिम्युलेट करते हैं, तब इनिबिट होता है इंसुलिन का सिक्रेशन। सो ये अपोजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है। इंसुलिन इंक्रीज कब होगा? जब हम बीटा टू अगोनिस्ट लेंगे, या ग्लूकागॉन लेंगे, या वेगल स्टिम्युलेशन होगा तब। और अल्फा टू रिसेप्टर अगोनिस्ट अगर हम लेते हैं, या सोमैटोस्टैटिन अगर हम लेते हैं, तब बीटा इंसुलिन इनहिबिशन होगा। सो दिस आर द टू अपोजिट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। अभी इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है वो एक्चुअली एक्ट कैसे करता है, या उसका मीनिंग या उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो उसका फर्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एक्शन है, टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज। सो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तब ग्लूकोज क्रिएट होता है। वो ग्लूकोज ब्लड में उस ग्लूकोज का अमाउंट कम करने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर उस अगर नहीं काम हुआ तो क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया होता है और डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल हमें डिक्रीज या ऑप्टिमम लेवल में ही रखना है। ऑप्टिमम लेवल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का क्या है, हमने प्रीवियस सेशन में ही पढ़ा है, और आफ्टर ईटिंग कितना रहना चाहिए वो भी हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। प्लीज गो एंड वॉच दोस प्रीवियस सेशंस। सो हमें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है, वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंसुलिन की। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कैसे करेगा? आइदर बाय स्टिम्युलेटिंग ग्लूकोज इन मसल। सो बेसिकली अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हमें वो ब्लड से, अगर ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड है, और बाहर ये अपना है मसल या फैट,
हम फैट कंसिडर करते हैं या मसल, तो हमारा जो इंसुलिन रहेगा बेसिकली ब्लड में जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल से उन्हें लेके फैट में पहुंचा देगा, फैट में स्टोर करेगा या मसल में स्टोर करेगा। सो वो एंट्री जो है ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ब्लड टू फैट या मसल, वो करता है इंसुलिन। दिस इज बेसिकली बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ ग्लूट फोर, जो ग्लूट फोर रिसेप्टर्स हैं उनको जब इंक्रीज करता है, एक्टिवेट करता है, तब ये स्टिम्युलेशन या ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू फैट होता है। अभी दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरा है बाय इनहिबिटिंग ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस। ये दोनों बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब क्या, और ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोगन का इंक्रीज। सो ग्लाइकोजेनोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो हमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना है या ग्लूकोगन का इंक्रीज करना है। जेनेसिस मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन। और दूसरा है कि इंक्रीजिंग ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ग्लाइकोलिसिस हम इंक्रीज करते हैं, ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, सो दैट इज ग्लाइकोलिसिस। एंड ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। सो अगर हम ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, या ग्लाइकोजेनेसिस करते हैं, दैट इज ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करते हैं, तो भी हम ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, ग्लाइकोजेनोलिसिस भी ग्लाइकोजेनेसिस का ही अपोजिट है। दिस इज अपोजिट ऑफ ग्लाइको ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन। जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन या बनाना, और लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। सो ग्लाइकोजेनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस। सो दिस इज द बायोकेमिस्ट्री साइकल्स। अगर तीसरा या ये सब कैटेगरी में आ गए, अभी इंसुलिन लाइपोलिसिस को भी इनिबिट कर सकता है और ट्राइग्लिसेराइड सिंथेसिस को इंक्रीज कर सकता है। सो हम मोटा क्यों होते हैं, व्हाई वी बिकम फैट? सो फैट का बेसिक मैकेनिज्म है या बायोकेमिस्ट्री है कि जो इंसुलिन है वो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज को ट्राइग्लिसेराइड्स में कन्वर्ट करेगा। ट्राइग्लिसेराइड्स बेसिकली फैट रहते हैं, तो उसमें वो कन्वर्ट करेगा। एंड इसीलिए जब भी हम एक्सेसिव शुगर खाते हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तब वो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज रहता है उसे इंसुलिन देके फैट में कन्वर्ट कर देता है और फैट बढ़ता रहता है हमारे बॉडी में। सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन व्हाई वी बिकम फैट। अभी थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन इज इंक्रीजेस द सिंथेसिस एंड इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। सो दैट इज द रीजन बाय विच इंसुलिन एक्ट्स। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड हाउ इंसुलिन इज गोइंग टू फंक्शन इन योर बॉडी। और जब ये सारे फंक्शंस माल फंक्शन होने लगते हैं, तब हमें होता है डायबिटीज मेलिटस। अभी इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बाय प्रोमोटिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूट फोर इज द रिसेप्टर। अभी इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होगा? इंसुलिन का सिंथेसिस हमने पढ़ा कि पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में होता है। उन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स में इनिशियली 110 अमाइनो एसिड्स, ए मतलब अमाइनो एसिड, सो 110 अमाइनो एसिड्स के चेन को हम कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। उसमें से कम होके 86 अमाइनो एसिड्स बचते हैं, उसे हम कहते हैं प्रो इंसुलिन, और उसका अगेन ब्रेकडाउन होगा टू फॉर्म इंसुलिन ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स।
तो ऐसे इंसुलिन क्रिएट होता है फ्रॉम प्रीप्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। इंसुलिन के चेन में 51 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो इंसुलिन के दो चेन्स रहते हैं, एक चेन रहता है उसे ए चेन कहा जाता है, उसमें 21 अमाइनो एसिड्स रहते हैं और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स रहते हैं। सो वो दोनों ऐड करके 51 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो दोनों जो अमाइनो एसिड्स के चेन है वो बेसिकली अटैच्ड होते हैं बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। सो सातवें पोजीशन में एक सल्फाइड बॉन्ड रहेगा और 20th पोजीशन में और एक सल्फाइड बॉन्ड रहेगा। सो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहते हैं जिनके वजह से ए चेन और बी चेन लिंक्ड रहता है। और टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड चेन का 6,000 डाल्टन्स रहता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। 51 अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड इन टू चेन्स, ए चेन व्हिच कंटेन्स 21 अमाइनो एसिड्स और बी चेन व्हिच कंटेन्स 30 अमाइनो एसिड्स। अभी इंसुलिन के भी अलग अलग टाइप है डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन। पोर्क इंसुलिन बेसिकली डिफर करता है ह्यूमन इंसुलिन बाय 1 अमाइनो एसिड। बीफ इंसुलिन डिफर्स इन 3 अमाइनो एसिड्स और एक ह्यूमन इंसुलिन रहता है दैट इज ह्यूमिलिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन सेल्स। सो उसे प्रिपेयर करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। वो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में कि कैसे ह्यूमिलिन क्रिएट होता है। अभी इसी के ऊपर से 21 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन इंसुलिन इज, सो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर इज 51। सो ए चेन में होते हैं कितने, 21 अमाइनो एसिड्स, बी चेन में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स, तो कुल मिला के बन जाते हैं 51 अमाइनो एसिड्स, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ही देखा है। सो दिस वॉज अबाउट दी फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल। अभी उसका हम बायोटेक्नोलॉजी मतलब ह्यूमिलिन कैसे क्रिएट होता है, ह्यूमिलिन हम कैसे बनाएंगे, और फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक कौन कौन से टाइप्स हैं। सो टाइप्स ऑफ इंसुलिन फॉर्मुलेशन वो हम पढ़ने वाले हैं इन सेशन 23, और इन्हीं के ऊपर से 2018 और 2014 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।